बात करेंगे बजट की। आज बहुत बड़ा दिन है, आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी, बजट पढ़ना शुरू करेंगी और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश करते हुए रिकॉर्ड बना देंगी अपना। लोकसभा चुनावों के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी निगाहें टिकी रही हैं। अब ऐसे में देखना यह हुआ कि किसको क्या मिलता है, किस वर्ग के लिए सरकार क्या बड़ी घोषणा करती है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि आम बजट अमृत काल का अहम बजट होगा, ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की बहुत उम्मीद है। इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं। वहीं युवाओं के लिए भी बजट में काफी कुछ हो सकता है, ऐसी भी सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में ये बात कही थी कि देश का जो मिडिल क्लास वर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। अब आप देख लीजिए कि इनकम टैक्स की मौजूदा व्यवस्था, इनकम टैक्स स्लैब पुरानी टैक्स व्यवस्था, नई टैक्स व्यवस्था 0 से 2.5 यानी कि 2.5 लाख तक 0% का, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5% का टैक्स स्लैब है और वहीं 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक का 5% का टैक्स स्लैब है। तो आपने पिछले बार के बजट में देखा था जब निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा था तो उसमें नए टैक्स स्लैब को लागू किया गया था, लेकिन आम जन के ऊपर निर्भर करता है कि आप पहले रिजन पर जाएं या फिर आप नया टैक्स स्लैब चुनें। लेकिन आपको बता देते हैं कि देखिए आज जो बजट पेश किया जाएगा उससे ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ उम्मीद है, चाहे वो युवा हो गए, चाहे वो महिलाएं हो गई, चाहे वो किसान हो गए। तो देखिए फोकस किस पर रहने वाला है महत्वपूर्ण, वो अब आप जान लीजिए। बजट में कहां फोकस होगा सरकार का, वो आपको महत्वपूर्ण बिंदु हम बता रहे हैं। 5 साल का रोड मैप संभव है, समझ सकते हैं आप आज के बजट में कि 5 साल का रोड मैप आप देख पाएंगे आज के बजट में। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव होगी, इकोनॉमी में भाग बढ़ाने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए कदम संभव होंगे, रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव होंगे, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, ग्रीन इकोनॉमी पर जोर रह सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने हैं, बिंदु आपके सामने हैं जिनके ऊपर फोकस रह सकता है आज सरकार का बजट पेश करने के दौरान। इकोनॉमिक सर्वे में आपने देखा था ग्रोथ की रफ्तार जो है 25 में 6 तो बजट पेश होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक जो होने जा रही है उसमें मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना होंगी और फिर आम बजट पेश करेंगी। तो देश में 70 पूर्ण बजट और 15 अंतरिम बजट जो है वो पेश हो चुके हैं। आज जो बजट पेश हो रहा है पूर्ण बजट है और इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। सबकी निगाहें इस लिहाज से रहेंगी कि आप समझ पाएंगे कि जो पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में जो नतीजे अभी सरकार को मिले हैं, जाहिर तौर से उन नतीजों से उभरने और हर वर्ग को खुश करने के लिए इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो। अब देखना यह जरूरी हो जाता है कि जब निर्मला सीतारमण बजट पढ़ेंगी तो क्या बड़ी बातें और उनके पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है।